डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू मॉम स्टोरीज। आज मैं आपको भगवान महावीर और चंड कौशिक सांप की कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार महावीर किसी नगरी जा रहे थे जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर निकलता था। उस जंगल में चंड कौशिक नाम का एक भयंकर सांप रहता था। वह सांप सदा ही गुस्से में रहता और उसके देखने से ही पक्षी, जानवर और इंसान मर जाते थे। लोगों ने महावीर को चंड कौशिक के बारे में बताया और उधर ना जाने को कहा, पर महावीर बिना किसी डर के जंगल में चले गए। कुछ देर चलने के बाद महावीर चंड कौशिक के इलाके में पहुंचे। वे वहीं रुक गए और ध्यान में बैठ गए। महावीर की आहट सुन चंड कौशिक सावधान हो गया और अपने बिल से बाहर निकल आया। महावीर को देखते ही वह गुस्से से लाल हो गया और मन ही मन सोचा, इस मनुष्य की यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई। वह महावीर की तरफ अपना फन ऊंचा कर फुफकारने लगा, पर महावीर तो अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। यह देख चंड कौशिक को और गुस्सा आ गया। उसने अपना जहर महावीर पर उड़ेल दिया, पर यह क्या, महावीर पर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ। अब सांप को विश्वास नहीं हुआ कि कोई मनुष्य उसके जहर से बच सकता है। उसने तुरंत अपने दांत महावीर के पैर के अंगूठे में काट दिए, पर ये क्या, महावीर के अंगूठे से खून की जगह दूध बह रहा था। अब महावीर ने अपनी आंखें खोली, वे शांत थे। उनके चेहरे पर ना कोई डर ना ही गुस्सा। उन्होंने चंड कौशिक से बड़े प्रेम से कहा, उठो चंड कौशिक, उठो, सोचो तुम क्या कर रहे हो। यह सुनते ही चंड कौशिक शांत हो गया। अचानक ही उसे अपने पिछला जन्म याद आने लगा। अपने क्रोध और अभिमान के कारण वह इस रूप में पहुंच गया था। उसे बात समझ में आ गई और वह प्रेम और अहिंसा का पालन करने लगा।